नमस्कार, आप सभी आशा कार्यकर्ताओं का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जून का पैसा कब तक आप लोगों के खाते में आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले जो हमने एक वीडियो बनाया था तो उसमें हमने आपको कहा था कि आप लोगों का जो जुलाई माह का पैसा है वो HQ के द्वारा वेरीफाइड होने के बाद आप लोगों तक पहुंच जाएगा, आपके अकाउंट तक पहुंच जाएगा। लेकिन वहां पर एक चीज मिस्टेक हो गई थी जिसको आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम ये बात करेंगे कि आखिर जून माह का पैसा आप लोगों के अकाउंट में कब तक आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अश्विन पोर्टल पर जाएंगे और वहां पर हम लोग आपको चेक करके दिखाएंगे कि किस प्रकार आप चेक कर सकते हैं कि वो डिजिटली हस्ताक्षर हुआ या नहीं। क्योंकि इस प्रकार मैंने आपको कहा कि जैसे आप आशा दावा प्रपत्र भरते हैं, जैसे ही आपने दावा किया, जो भी काम आपने किया, तो उसके बाद वो NM के द्वारा जो है वेरीफाई होता है, वो स्वीकृति होती है उसमें। स्वीकृति होने के बाद BHM उसको फिर वेरीफाइड करता है, BHM वेरीफाइड करने के बाद उसे MOIC को फॉरवर्ड करता है, फिर जो है MOIC उसे वेरीफाइड करता है, MOIC के वेरीफाइड करने के बाद वो फिर चले जाता है किसके पास, HQ के पास, यानी हेडक्वार्टर में। अब हेडक्वार्टर में वो वेरीफाइड हो जाने के बाद भी ये काम जरूरी होता है, अगर वो नहीं होगा तो पेमेंट आपके खाते में रिलीज ही नहीं होगा, और वो होने के बाद ही पेमेंट जो है आपके खाते में ट्रांसफर होता है, यानी कि वह है डिजिटली सिग्नेचर। अगर डिजिटली सिग्नेचर नहीं होगा तो पेमेंट भले ही आपका पास हो चुका हो, भले ही हेडक्वार्टर के द्वारा जो है अब वेरीफाइड कर दिया गया हो, लेकिन वो पेमेंट आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो डिजिटली सिग्नेचर नहीं हो जाएगा, यानी कि जब तक उसे जिसमें जो है डिजिटली रूप से हस्ताक्षर नहीं हो जाता तब तक वो पैसे आपके खाते में नहीं आएंगे। तो चलिए कैसे चेक करेंगे कि डिजिटली हस्ताक्षर हुआ या नहीं, तो चलिए उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। तो चलिए हम लोग सिंपली से क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं। अब ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है अश्विन विहार। अश्विन विहार जैसे ही आप लिखकर सर्च करेंगे तो जो पहला वाला लिंक आएगा उस पर क्लिक करना है। जैसे कि ये पहला वाला लिंक है तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा आपको ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद यहाँ पर आशा फैसिलिटेटर प्रोत्साहन राशि रिपोर्ट, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो है कुछ डिटेल डालेंगे। डालने के बाद हम लोग चेक कर लेंगे कि जून माह का जो पैसा है वो क्यों नहीं अभी तक हमारे खाते में आया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर जो है आपको क्लिक कर लेना है 2023-24। उसके बाद जो है यहाँ पर आशा वर्कर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर फिल्टर टाइप, आप अगर आधार नंबर से चेक करना चाहते हैं या फिर यूजर आईडी अगर आपके पास है तो आप यूजर आईडी से जो है चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यूजर आईडी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से पेज जो है लोड होगा, और लोड होने के बाद फिर से आपको यहाँ पर अपना यूजर आईडी डालना होगा। अगर आपने यूजर आईडी सेलेक्ट किया है तो यूजर आईडी डालना होगा, अगर आपने आधार नंबर सेलेक्ट किया है तो आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। उससे पहले आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर लीजिए। इनेबल करने के बाद अब यहाँ पर जो है फिर से वही पेज आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये रहा हमारा जून माह का, तो जून माह का यहाँ पर देखिए पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड, यानी कि भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। तो यहाँ पर जैसे कि एस लिखा हुआ है यानी कि भुगतान की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो गई है, लेकिन फिर भी ये अकाउंट पे क्यों नहीं आया है उसके लिए एस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप एस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा, देखिए पेंडिंग फॉर डिजिटल सिग्नेचर, यानी कि ये जो है अभी डिजिटल सिग्नेचर के लिए पेंडिंग में है। जब ये डिजिटल सिग्नेचर हो जाएगा तो उसके बाद आपका पैसा आपके अकाउंट पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो जून का पैसा इसीलिए नहीं आया है क्योंकि ये डिजिटली सिग्नेचर नहीं हुआ है, इसीलिए हम आपको ये प्रोसेस बता दिए ताकि आप कभी भी आ करके अश्विन पोर्टल में आ करके जो है इस तरह से चेक कर पाएँ कि अगर यहाँ पर पेंडिंग में जो है लिखा हुआ होगा पेंडिंग फॉर डिजिटल सिग्नेचर, तो इसी वजह से जो है यही कारण होगा कि पैसा आपका नहीं आया है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये पेंडिंग फॉर डिजिटल सिग्नेचर नहीं होता, यहाँ पर अगर जो है पेमेंट जो है भेज दिया गया है, भुगतान कर दिया गया है लिखा होता, तो इसका मतलब जो है पेमेंट आपका आ गया है। लेकिन अगर इस तरह से लिखा हुआ रहे कि पेंडिंग फॉर डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है, तो
इसका मतलब ये है कि अभी वो डिजिटली सिग्नेचर नहीं हुआ है जिसके कारण पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो जैसे ही ये जो है सिग्नेचर हो जाएगा तो आपके खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको क्लियर समझ में आया होगा कि आखिर आप लोगों का जून माह का पैसा क्यों नहीं आया है। जून माह का पैसा आप लोगों का इसीलिए नहीं आया है क्योंकि वो डिजिटली अभी सिग्नेचर नहीं हुआ है। जैसे ही डिजिटली सिग्नेचर होगा तो वो पैसा सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर ये डिजिटली सिग्नेचर कब होगा। तो उसके लिए हमने जब हेल्पलाइन नंबर जो दिया हुआ है अश्विन ऐप पर, अश्विन पोर्टल पर, हमने उससे कॉल करके बात किया तो सर ने कहा कि हम जो है ये जो है डिजिटली सिग्नेचर नहीं हुआ है जिसकी वजह से ये पैसा नहीं आया है। तो हमने उनसे पूछा कि आखिर ये डिजिटली सिग्नेचर कब तक हो जाएगा, तो उन्होंने कहा है कि ये काम हमारा नहीं है इसलिए हम इसके बारे में जो है नहीं बता पाएंगे, ये काम जो है हम लोगों का नहीं है। तो हमने कहा कि फिर भी अगर आपको जो है कोई अंदाज़ा हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसके बारे में बिल्कुल नहीं बता सकते हैं। और डिजिटली सिग्नेचर हुआ या नहीं ये कैसे चेक करना है ये हमने आपको आगे बता दिया है। तो उसी तरह से हम आपके लिए वीडियोस लाते रहते हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो, ज़रूरी हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।